अगले साल होने वाले यूपी चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक दावा रिपब्लिक भारत का ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए किया जा रहा है। इसमें लिखा है कि अगर सपा की सरकार बनी तो अखिलेश यादव अयोध्या का नाम बदल देंगे। तस्वीर शेयर करते हुए यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये बयान अखिलेश यादव ने दिया है। कई फेसबुक ग्रुप्स में ये तस्वीर शेयर की गई है। इसे शेयर करते हुए हिंदुओं को सचेत किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार सपा को पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए। तो क्या वाकई में अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। यूट्यूब पर कीवर्ड सर्च करते हुए ऑल्ट न्यूज को 27 नवंबर की रिपब्लिक भारत की रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ऐसा कहा था। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जबरदस्त प्रहार किया है। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि अयोध्या को लेकर दरअसल ये बड़ा वार किया गया है। अयोध्या का नाम बदल देंगे अखिलेश यादव, ये उनकी मंशा है। अखिलेश सत्ता में अगर आ गए तो अयोध्या प्रयागराज का नाम बदल देंगे। रिपब्लिक भारत के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम योगी ने बड़ा दावा किया और ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर वार किया है। कभी अयोध्या आपको लगता नहीं कि श्री अखिलेश यादव जी की और श्री ओवैसी की जो भाषा एक जैसी है, ओवैसी बोलता है कि हम अयोध्या का नामकरण कर बदल देंगे और यही भाषा अखिलेश यादव भी करते हैं कि अगर सपा आई तो वह अयोध्या का नाम फिर से बदल देगी, उनकी सरकार बदल देगी। क्या रखना चाहते? प्रयागराज का नाम फिर से बदल देंगे। ये दोनों की भाषा एक है, दोनों के बयान एक हैं, दोनों के कार्य एक जैसे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। इसके अलावा हमें ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें अखिलेश यादव की ओर से ऐसा कोई बयान दिए जाने की खबर छपी हो। यहाँ साफ हो जाता है कि रिपब्लिक भारत के ब्रॉडकास्ट का स्क्रीनशॉट भ्रामक रूप से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए शेयर किया गया।